आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय वे पर। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द कॉप एंड द एंथम रिटन बाय ओ हेनरी। हमने पार्ट वन में देखा कि कैसे सोपी अलग अलग तरीकों से जेल में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे का पार्ट, पेज नंबर 30, ऊपर से 6th पैराग्राफ। डिसकंसोलेट सोपी स्टॉप्ड हिज अनविलिंग रैकेट। तो फाइनली बहुत दुखी होकर सोपी जो है अपना अनविलिंग मतलब वेरी इनइफेक्टिव यूजलेस रैकेट मतलब तमाशा है, उसका जो इनइफेक्टिव तमाशा रहता है उसको रोक देता है। वुड नेवर अ पुलिस मैन ले हैंड्स ऑन मी। क्या कोई पुलिस वाला कभी मुझे पकड़ेगा ही नहीं। इन इज फैंसी द आईलैंड सीम्ड एन अनअटेनेबल अर्कैडिया। उसको लगता है, वो ऐसे सोचता है कि जहाँ उसका जो आईलैंड है, आईलैंड मतलब जेल, जेल जाना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट सी चीज़ है। अनअटेनेबल मतलब डिफिकल्ट टू अचीव। ही बटन हिज थिन कोट अगेंस्ट द चिलिंग विंड। फिर वो अपने कोट के सारे बटन लगा लेता है, क्योंकि हमें वैसे ही पता है ठंड का मौसम है, ठंड बढ़ रही है इसलिए। इन अ सिगार स्टोर ही सॉ अ वेल ड्रेस्ड मैन लाइटिंग अ सिगार एट द स्विंगिंग लाइट। फिर वो सिगार स्टोर में उसको एक आदमी सिगार पीते हुए दिखता है, वहाँ एक लाइट रहता है स्विंगिंग मतलब आगे पीछे से झूलने वाला लाइट। ही हैड सेट हिज सिल्क अम्ब्रेला बाय द डोर ऑन द एंट्री। तो उस आदमी ने उसकी जो अम्ब्रेला है उस सिगार स्टोर के गेट के पास रखी हुई थी। सोपी स्टेप्ड इनसाइड। सोपी अंदर जाता है सिगार स्टोर में, ग्रैब्ड द अम्ब्रेला एंड सॉन्टर्ड ऑफ विथ इट स्लोली। धीरे से अंदर जाता है, वो सॉन्टर्ड करना मतलब वॉक्ड इन अ रिलैक्स्ड मैनर। अंदर जाता है, उस अम्ब्रेला का उठाता है और वहाँ से आराम से निकल जाता है। द मैन एट द सिगार लाइट फॉलोड हेस्टिली। तो जैसे ही वो सिगार पीने वाले आदमी को दिखता है कि कोई उसका अम्ब्रेला लेके जाता है जा रहा है, वो भी जल्दबाजी में उसका पीछा करता है। माय अम्ब्रेला ही सेड स्टर्नली। मेरी अम्ब्रेला, वो जोर से एंग्री एकदम गुस्से से बोलता है। ओ इज इट, स्नियर्ड सोपी एडिंग इंसल्ट टू पेटी लासनी। तो एकदम हंसी उड़ाने टाइप, स्नियर्ड करना मतलब क्या, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, एकदम मजाक किया अंदाज में वो उसको बोलता है, अच्छा ये तुम्हारी है, वेल व्हाई डोंट यू कॉल अ पुलिस मैन। तो फिर तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। आई टुक इट योर अम्ब्रेला, मैंने इसको ले लिया है, तुम्हारी अम्ब्रेला है, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप। फिर पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। दे स्टैंड वन ऑन द कॉर्नर। देखो वहाँ कोने में एक पुलिस वाला खड़ा है, तुम उसको बुलाओ। द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स। तो उस वक्त अम्ब्रेला का जो ओनर रहता है वो एकदम अपने स्टेप्स को स्लो करता है, मतलब धीरे से चलता है। सोपी डेड लाइक वाइज। तो वो स्पीड कम करता है चलने की, तो सोपी भी अपनी स्पीड कम कर देता है। विथ अ प्रीमोनिशन दैट लक वुड अगेंस्ट That luck would again run against him। तो उसको फिर से ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, मतलब वो इस बार भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, मन ही मन उसको लगता है। द पुलिस मैन आइट एट द टू क्यूरियसली। तो पुलिस वाला इन दोनों की तरफ बहुत ही क्यूरियसली देखता है। ऑफ कोर्स सेड द अम्ब्रेला मैन, वेल यू नो हाउ दिस मिस्टेक्स अकर इफ इट इज योर अम्ब्रेला। देखो ना कैसे गलतियाँ हो जाती है कभी कभी, शायद ये तुम्हारी अम्ब्रेला है। आई होप यू विल एक्सक्यूज मी, मुझे आशा है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। आई पिक्ड इट अप दिस मॉर्निंग इन अ रेस्ट्रॉ, इफ यू रिकग्नाइज इट एज योर्स वाई आई होप यू विल। तो बोलता है कि अगर ये तुम्हारे, वो बोलता है कि बाई मिस्टेक मैंने ये जो अम्ब्रेला है सुबह मुझे एक रेस्टोरेंट में मिली थी, वहाँ से मैंने इसको उठाया था, अगर ये तुम्हारी है तो इट्स ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ तुम अपनी अम्ब्रेला वापस ले सकते हो। ऑफ कोर्स इट्स माइन सेड सोपी सैवेजली। बहुत गुस्सा आता है सोपी को, बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल ये मेरी अम्ब्रेला है। द अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड। तो पीछे हट जाता है अम्ब्रेला वाला। द पुलिस मैन हरीड टू असिस्ट अ टॉल ब्लॉन्ड इन एन ओपेरा क्लोक अक्रॉस द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रीट कार दैट वॉज अप्रोचिंग टू ब्लॉक्स अवे। तो वो जो पुलिस वाला रहता है जो उन दोनों को क्यूरियसली देखता हुआ रहता है, वो पुलिस वाला किसी को हेल्प करने के लिए, टू असिस्ट मतलब कोई हेल्प करना, चला जाता है। और जिसको हेल्प करने जाता है उसका थोड़ा फिजिकल अपीयरेंस बताया हमको, अ टॉल मतलब बहुत ही हाइटेड, ब्लॉन्ड मतलब जिसके बाल थोड़े से गोल्डन कलर के हैं, एंड ओपेरा मतलब एकदम रिच मटेरियल, और क्लोक मतलब कपड़े, क्लोथ्स। तो वैसे कुछ अच्छे रिच कपड़े पहने हुआ कोई आदमी, कोई पर्सन उस पुलिस वाले को दिखता है और उसको हेल्प करने के लिए पुलिस वाला चला जाता है। सोपी वॉक्ड ईस्टवर्ड थ्रू अ स्ट्रीट डैमेज्ड बाय इम्प्रूवमेंट्स। अब सोपी जो है पूरब की तरफ निकल पड़ता है और वहाँ का जो रोड है बहुत ही ख़राब स्थिति में है।
ही हर्ल्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इन टू एन एक्सकवेशन, तो गुस्से में वो जो है अपने अम्ब्रेला एक गड्ढे में फेंक देता है। ही मटर्ड अगेंस्ट द मैन हु वियर हेलमेट्स एंड कैरी क्लब्स, तो वो सोपी जो है जो लोग हेलमेट पहनते हैं और स्टिक्स कैरी करते हैं, मतलब पुलिस वालों के अगेंस्ट में कुछ बोलता है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देयर क्लचेस, क्योंकि सोपी तो चाहता है कि वो उनके जाल में फंसे। बट दे सीम टू रिगार्ड हिम एज अ किंग हु कुड डू नथिंग रॉन्ग, लेकिन पुलिस वालों के लिए तो एक राजा के जैसे हैं जो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है। एट लेंथ सोपी रीच्ड वन ऑफ द एवेन्यूज टू द ईस्ट वेयर द ग्लिटर एंड टर्मोइल वॉज बट फेंट, फिर वो जो है बहुत समय तक चलने के बाद एक रास्ते पे जाके रुकता है जहाँ पे ग्लिटर मतलब क्या चमक और टर्मोइल मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है लेकिन बहुत कम। ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर फॉर द होमिंग इंस्टिंक्ट सर्वाइव्स इवन वेन द होम इज अ पार्क बेंच, अब हमें पता चलता है कि सोपी जेल में जाना क्यों वो जेल में जाना चाहता है। ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टूवर्ड मेडिसन स्क्वायर, वो मेडिसन स्क्वायर की तरफ आता है जहाँ पे उसका घर है, फॉर द होमिंग इंस्टिंक्ट, कैसे भी हो लेकिन हमें अपने घर जाने की बहुत इच्छा रहती है हमेशा, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। और सोपी का जो घर है वो कहाँ है, फॉर द होमिंग इंस्टिंक्ट सर्वाइव्स इवन व्हेन द होम इज अ पार्क बेंच, उसका जो घर है वो एक पार्क का बेंच, बस उतनी जगह है उसकी अपनी जहाँ वो सोता है रहता है, बस उस पार्क के बेंच पे उसकी वो जिंदगी गुजार रहा होता है। और इसीलिए उसको जेल जाने की इच्छा होती है क्योंकि मौसम ठंडी का रहता है और ठंडी के मौसम से बचने के लिए प्रिजन से अच्छी कोई दूसरी जगह उसको दिखती नहीं, और इसीलिए वो चाहता है कि वो जेल में जाए। बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर सोपी केम टू अ स्टैंड स्टिल, लेकिन वो एक कोने में आके एकदम स्टैंड स्टिल हो जाता है, मतलब क्या एकदम स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है। हियर वॉज एन ओल्ड चर्च क्वेंट एंड रैमलिंग एंड गैबल्ड, तो जो चर्च है वो बहुत ही पुरानी चर्च है, क्वेंट मतलब अट्रैक्टिव, रैमलिंग मतलब थोड़ी सी अस्ताव्यस्त, और गैबल्ड मतलब ऐसे ट्रायंगुलर शेप में। थ्रू वन वायलेट स्टेन्ड विंडो अ सॉफ्ट लाइट ग्लोड, तो उस चर्च में से एक वायलेट कलर की जो विंडो है उसके अंदर उसको एक सॉफ्ट लाइट दिखता है जो बहुत ही शाइन कर रहा है। वेयर नो डाउट द ऑर्गेनिस्ट लॉयटर्ड ओवर द कीज मेकिंग श्योर ऑफ हिज मास्टरी ऑफ द कमिंग सेबाथ एंथम, वेयर नो डाउट द ऑर्गेनिस्ट मतलब म्यूजिशियन लॉयटर्ड ओवर द कीज मतलब क्या, वो कीबोर्ड के ऊपर कुछ प्रेयर एक प्रेयर की प्रैक्टिस कर रहा है, क्यों, क्योंकि मेकिंग श्योर ऑफ हिज मास्टरी, वो उसको मास्टरी उसके ऊपर मास्टरी लाने की कोशिश कर रहा है प्रेयर के ऊपर ऑफ द कमिंग सेबाथ एंथम मतलब अ डे ऑफ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस एंड ऑब्स्टिनेंस फ्रॉम वर्क केप्ट बाय ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, तो क्रिश्चियन लोग जो है वो साप्ताहिक विश्राम और प्रार्थना का दिन ऐसे सेलिब्रेट करते हैं वीकेंड्स में, तो उस वीकेंड की प्रेयर की वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। फॉर देयर ड्रिफ्टेड आउट द सोपीज ईयर स्वीट म्यूजिक दैट कॉट एंड हेल्ड हिम ट्रांसफिक्स्ड अगेंस्ट द कन्वोल्यूशंस ऑफ एरन फ्रेंड्स, तो इस म्यूजिक की वजह से वो जो सॉफ्ट एकदम स्वीट म्यूजिक चल रहा होता है उस म्यूजिक की वजह से सोपी जो है ट्रांसफिक्स्ड मतलब क्या मोशनलेस हो जाता है और वहीं रुक जाता है आयरन फेंस के पास। द मून वॉज अबव फुल एंड रेडिएंट, आसमान में चांद निकला रहता है, फुल मून रहता है, और रेडिएंट मतलब क्या एकदम शाइनिंग चमक रहा है, तेजस्वी है एकदम। व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस वर फ्यू, तो वहाँ पे गाड़ियाँ या फिर पैदल चलने वाले लोग बहुत कम है। स्पैरोज ट्विटर्ड स्लीपिली इन द ईव्स, तो जो स्पैरोज है वो नींद ले रही है, कहाँ पे, ईव्स मतलब पार्ट ऑफ रूफ, वहाँ पे जो भी उनका घर है उसमें वो सोने की कोशिश कर रहे हैं और ट्विटरिंग कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा आवाज़ उनका भी है वहाँ पर। और अ लिटिल व्हाइल द सीन माइट हैव बीन अ कंट्री चर्चर, या फिर वहाँ का ऐसा सीन है बोल सकते हैं कि एकदम कंट्री मतलब गांव का एरिया और चर्चर मतलब चर्च का परिसर, चर्च का एरिया, तो गांव में कैसे शांति रहती है उस टाइप की शांति वहाँ पे है। एंड द एंथम दैट द ऑर्गनिस्ट प्लेड सीमेंटेड सोपी टू द आयरन फेंस,
तो और वो जो म्यूजिशियन है जो वो म्यूजिक और प्रेयर की प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी वजह से सोपी वहाँ पे रुक जाता है एकदम से, स्टैंड एंड स्टील हो जाता है, मतलब क्या सीमेंटेड हो जाना, मतलब एकदम स्तब्ध हो जाता है। फॉर ही हैड नोन इट वेल इन द डेज व्हेन हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स एज मदर्स रोजेस एम्बिशंस एंड फ्रेंड्स एंड इमेक्युलेट थॉट्स एंड कॉलर्स, क्योंकि वो धुन उसको पहले से पता रहती है। फॉर ही हैड नोन इट वेल, उसको पहले से कुछ तो भी फैमिलियर सी धुन उसको वो लगती है और उसको कुछ याद दिलाती है कि व्हेन हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स एज मदर्स रोजेस, जब उसकी लाइफ में उसकी माँ थी, फूल थे, एम्बिशंस मतलब उसकी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, फ्रेंड्स मतलब अच्छे दोस्त थे, इमेकुलेट थॉट्स मतलब साफ सुथरे उसके विचार थे, और कॉलर्स मतलब अच्छे कपड़े या फिर अच्छे लोग। तो ये जो म्यूजिक था प्रेयर का म्यूजिक, जो सूफी को उसके अतीत में लेके गया जब उसके पास ये सारी चीज़ें थी। द कंजंक्शन ऑफ सूफीज रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड एंड द इन्फ्लुएंसेस अबाउट द ओल्ड चर्च ब्रॉट अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। तो उसको लगता है कि उसकी आत्मा में अचानक एकाएक एक अच्छा बदलाव आया है। ही व्यूड विथ द राइजिंग हॉरर द पिट इन टू विच ही हैड टम्बल्ड। तो उसको अचानक से सारी चीज़ें याद आती है कि कैसे वो इस दलदल में फंसा हुआ था, टम्बल्ड मतलब गिर जाना, कैसे अटका हुआ था इस, कैसे गिर गया था इस दलदल में। पिट मतलब यहाँ गड्ढा, लेकिन दलदल मीनिंग है उसका। द डिग्रेडेड थॉट्स एकदम बुरे विचार, अनवर्दी डिजायर्स गलत इच्छाएं, डेड होप्स मरी हुई आशाएं, रैकेट फैकल्टीज बर्बाद क्षमताएं एंड बेस मोटिव्स दैट मेड अप हिज एग्जिस्टेंस। तो उसको उसको सब समझ आता है कि ये सब उसकी दुनिया में क्यों आया, जब वो चर्च की म्यूजिक को सुनता है, क्योंकि वो क्यों इतना बुरा बना या फिर क्यों वो इस रास्ते में चल रहा है, इसको वो सारी चीज़ें याद आती है। एंड द रीज़न इज द स्वीट म्यूजिक और द प्रेयर एंथम जो शुरू रहती है उसकी वजह से उसको सब याद आता है। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू दिस स्ट्रेंज मूड, और उसका दिल भी उसको रिस्पॉन्ड करने लगता है, उसकी जो अब सडन चेंज हुआ उसके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज, उस पॉजिटिव चेंज को उसका मन उसका दिल रिस्पॉन्ड करता है पॉजिटिव। अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स, इम्पल्स मतलब इच्छा, मूड हिम टू बैटल विद हिज डेस्परेट फैक्ट। तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर है, वो स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ निराशाजनक सच्चाई, डेस्परेट फैक्ट मतलब क्या, एक निराशाजनक सच्चाई से लड़ने को हुआ वो पूरी तरह से तैयार है। ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर, मायर मतलब बैड सिचुएशन, अब वो सोचता है कि वो इस दलदल से बाहर निकलेगा। वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और एक अच्छा आदमी बनेगा। ही वुड कॉन्कर द इविल दैट हैड एनस्लेव्ड हिम, और उस इविल मतलब बुराई के ऊपर, जिस बुराई का वो गुलाम बन चुका है उसके ऊपर जीत हासिल करेगा। देर वॉज टाइम वेन ही वॉज यंग एट ही वुड रिसरेक्ट हिज ओल्ड ईगर एम्बिशंस एंड परस्यू देम विदाउट फाल्टरिंग। जब वो यंग था, जब उसकी बहुत सारी एम्बिशंस थी उसकी लाइफ की, अब वो बोलता है कि ही वुड रिसरेक्ट हिज ओल्ड ईगर एम्बिशंस। रिसरेक्ट मीन्स रिस्टोर टू लाइफ, अब उन सारी एम्बिशंस को फिर से रिस्टोर करने को तैयार है। एंड परस्यू देम विदाउट फाल्टरिंग, फाल्टर करना मतलब लूजिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब बिना डगमगाए वो अब अपनी सारी इच्छाएं फुलफिल करने की कोशिश करेगा। दो सॉलेम बट स्वीट ऑर्गन्स नोट्स हैड सेट अप अ रेवोल्यूशन इन हिम। तो जो म्यूजिक था, वो जो प्रेयर थी, उस प्रेयर की वजह से उसके अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया था। टुमोरो ही वुड गो इन टू द रोरिंग डाउन टाउन डिस्ट्रिक्ट एंड फाइंड वर्क। तो सोचता कि कल वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे और आ जाके अपने लिए काम ढूंढेगा। अ फर इम्पोर्टर इम्पोर्टर हैड वंस ऑफर्ड हिम अ प्लेस एज अ ड्राइवर। तो एक बार जो है एक फर का बिजनेस करने वाले आदमी ने उसको एक ड्राइवर का जॉब ऑफर किया था। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, अब वो कुछ बनेगा जिंदगी में, वो कुछ बनेगा जिंदगी में। ही वुड, वो सोपी फेल्ट अ हैंड लेड ऑन आर्म। उसी वक्त वो जब सोच रहा था कि वो अब लाइफ में कुछ बनेगा, उसी वक्त कोई तो भी उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन टू द इम्पैसिव फेस ऑफ अ पुलिसमैन।
जैसे वो क्विकली पीछे देखता है, एकदम फटाक से जल्दी से नीचे पीछे देखता है कि कौन है, तो उसको एक पुलिस वाला दिखता है, इम्पेसिव मतलब जिसके चेहरे पे कुछ भी हाव भाव नहीं है, एकदम वुडन फीलिंग्स के साथ एक पुलिस वाला उसके कंधे पे हाथ दे के रखता है। वॉट आर यू डूइंग हियर, आज द ऑफिसर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, वो पुलिस वाला पूछता है। नथिंग सेड सोपी, सोपी बोलता है जी कुछ नहीं। देन कम अलॉन्ग सेड द पुलिस मैन, तो चलो मेरे साथ। 3 months ऑन द आईलैंड, आईलैंड सेड द मैजिस्ट्रेट इन द पुलिस कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, 3 महीने तक आइलैंड में मतलब जेल में, तो मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो उसको सज़ा सुनाते हैं। तो इस तरीके से फाइनली वो जेल में जाता है। जब उसकी इच्छा रहती है कि वो पुलिस वाले उसको पकड़े, तब उसको पुलिस वाले नहीं पकड़ते, और जब वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है तब उसे पुलिस वाले आके पकड़ लेता है। तो एंडिंग में हमें थोड़ा सा बुरा भी लगता है सोपी के लिए, भले ही हमको पहले हंसी आया कि वो कैसे बच जाता है हर एक सिचुएशन से, लेकिन जब वो सच में अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है तो पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिल को थोड़ी सी चोट लगती है कि अरे अब ये नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया करके। तो ये जो राइटर है ओ हेनरी, उनका यही स्टाइल है लिखने का। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो लेसन है द कॉप एंड द एंथम समझा होगा। मुझे ज़रूर बताएं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।